भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्हें नमन करते हुए आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बहन नसीम अकबर जी के आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में बनाने का संकल्प लिया, राजीव गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डाली और सभी ने जो आने वाला समय है उसमें जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो वास्तव में राजीव गांधी जी की सोच थी कि उन्होंने 21वीं सदी का आधुनिक भारत का निर्माण करने की जो उनकी सोच थी, आज मेरे से पूर्व आपको सभी वक्ताओं ने बोले हैं कि चाहे आपके पास मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आईटी के अंदर जो भी आपको दिख रही है, आज इतनी प्रोग्रेस दिख रही है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा हुआ है, चाहे सड़कों का जाल अगर बिछा हुआ है, या कहीं भी आप हम उद्योग क्रांति की बात करें तो उद्योगों का जो उस समय में जाल बिछाया था और जिस तरह पंचायती राज का उन्होंने जो है अपना पूरा खाका तैयार करके कि जिस देश के अंदर गांवों के अंदर ज़्यादा संख्या हमारी देश की निवास करती है और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ हम अगर उन लोगों की बात को रखने के लिए वहाँ का प्रतिनिधित्व दें तो उसके लिए उन्होंने जो पहल की और 18 वर्ष के युवाओं को जो मताधिकार का उन्होंने जो अधिकार दिया, ये सब चीज़ें राजीव गांधी जी कोई सोच से परे थी। उन्होंने जो सोचा वो आज वास्तव में सार्थक हो रहा है और हर चीज़ अपने को देखने को मिलती है। दुर्भाग्य था राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी जी जिस तरह हमारे देश को चाह रहे थे उस तरह आगे बढ़ने में एक अवरोध पैदा हो गया और हमारे देश के अंदर उन सरकारों ने अपनी सत्ता हासिल कर ली जिन्होंने लोगों को बरगला के